तो हीटर के ऊपर मैं पहले भी मुतअद्दिद दफा वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन कस्टमर्स की बार बार रिक्वायरमेंट आती है कि भाई हीटर चाहिए, फैन रॉड वाला चाहिए, रॉड वाला चाहिए या स्टीम हीटर चाहिए। तो मैं बार बार लोगों को यही समझाता हूँ कि भाई कराची है ना, ये कराची है, कोई अंटार्कटिका या कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया नहीं है जहाँ पे सर्दी कोई बहुत ज्यादा पड़ती है। यहाँ सिर्फ 2 महीने की सर्दी होती है और बहुत सारे लोग अपने घर में छोटे बच्चों के लिए या बूढ़े अफराद के लिए हीटर लेना चाह रहे होते हैं। तो ये जो रॉड हीटर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होते और एनर्जी एफिशिएंट भी नहीं होते, उनके एनर्जी लॉसेस ज्यादा होते हैं और आग लगने का भी काफी हद तक इम्कान रहता है, जो कि बहुत सारे कस्टमर्स ने हमें अक्सर कंप्लेन भी करी है कि हमने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने लिए रॉड का हीटर मंगा लिया, वो आपको 1500 में मिल तो जाते हैं लेकिन उनके अंदर आग लगने का भी खतरा ज्यादा होता है और उनकी रिलायबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो कैम्ब्रिज का फैन हीटर है, ये एक बहुत अच्छा फैन हीटर है और इसकी पावर कंजम्पशन भी बहुत मिनिमल है। इसके अंदर आपको ना, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, इसके अंदर 2 आपको सिलेक्टर देखने को मिल जाते हैं। जब आप इसको 1 पे चलाते हैं तो ये 1000 वाट कंज्यूम कर रहा होता है, जब आप 2 पे चलाते हैं तो ये 1500 कंज्यूम कर रहा होता है। तो भाई ये ना पाकिस्तानी कंपनियों के डब्बों पे जितना लिखा होता है ना, 1000 या 2000 वाट का मतलब ये होता है कि अगर कोई 2000 हॉर्स पावर की मोटर होती है ना, तो वो 10वें फ्लोर पर पानी डालती है, तो उसके अंदर इतनी पावरफुल मोटर नहीं होती कोई कि 10वें फ्लोर तक ये पानी फेंक सके। तो ये जो 2000 वाट होता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो आप इस चीज का ख्याल रखें, अगर आप हीटर ढूंढ रहे हैं तो एक एनर्जी एफिशिएंट हीटर लें, जैसे कि कैम्ब्रिज का हीटर है। इसके अंदर चाइल्ड लॉक प्रोटेक्शन भी है कि अगर तो ओवर वोल्टेज या फिर ओवर हीटिंग की वजह से जलने का खतरा हुआ तो ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट भी कर देगा आपकी पावर सप्लाई को। तो ये हीटर हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ 3500 रुपीज के अंदर अगले 2 दिन के लिए। तो जल्द से जल्द हीटर बुक कराएं अपना और आके हमसे ले जाइए।